कपिल सिब्बल अपनी तरह से दलीलें देते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही ताकतवर ईडी को और खतरनाक बना दिया। मतलब ईडी पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने अपने नए फैसले में कहा, रिश्वत लेना मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक अपराध है। इस तरह के मामलों में ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत एक्शन ले सकती है। अभी तक करप्शन के मामलों में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7 के तहत पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच ने तमिलनाडु से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे में ये फैसला सुनाया। अदालत डीएमके विधायक और तमिलनाडु के मंत्री सिंथिल बालाजी के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई कर रही थी। उन पर आरोप है कि 2011-15 के बीच स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में हुई भर्तियों के मामलों में रिश्वत ली गई थी। ये रकम उन लोगों से ली गई थी जो नौकरी हासिल करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिर से जांच का आदेश भी दिया। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सेंथिल के खिलाफ ईडी की जांच पर स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस राम सुब्रमण्यम ने फैसले में कहा, ये पता लगाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत लेता है तो वो अपराध करता है। उसके बाद जस्टिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 3 की परिभाषा बताई। उनका कहना था कि इसके 3 हिस्से हैं, पर्सन, प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्ट। उन्होंने फैसले में लिखा कि पर्सन और प्रोसेस को लेकर कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के लिए सेक्शन को समझने की जरूरत है। जस्टिस ने कहा कि सेक्शन 3 में अपराध की 6 तरह की आपराधिक गतिविधियां बताई गई हैं। ये कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज, प्रोजेक्टिंग एज अनअटेंटेड मनी, क्लेमिंग एज अनअटेंटेड मनी है। इसमें तीसरी गतिविधि कुछ भी हासिल करने से जुड़ी है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत की रकम लेता है तो वो तीसरी गतिविधि के तहत आरोपी ठहराया जा सकता है, लिहाजा उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अगर वो रिश्वत की रकम को अपने पास नहीं रखकर उसका इस्तेमाल भी करता है तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी ठहराया जा सकता है, क्योंकि 6 तरह की आपराधिक गतिविधियों में यूज भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तरीके से ईडी के दायरे पर दलीलें दी। कपिल सिब्बल का कहना था कि करप्शन से हासिल की गई रकम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि ऐसे मामलों में ईडी की जांच पर हैरत नहीं होनी चाहिए, अपराध हुआ और उससे पैसा भी अर्जित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।